फ्रेंड्स, वेलकम आरसीआई ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। 11वीं का हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं। अगला टॉपिक है जो छोटी दूरियां हैं, ऐसी दूरियां जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते, ऐसी दूरियों का मापन करने के लिए हम एक मेथड उपयोग में लेते हैं। वो मेथड है ओलिक अम्बर के अणुओं के आकार का आकलन। अणुओं का आकार का आकलन कैसे करेंगे? ओलिक अम्बर क्या है बल्कि ये समझते हैं। ओलिक अम्बर जो है वो एक ऐसा अमल है, जैसे बेटा हम रेत को डालते हैं तो रेत क्या करती है, रेत जो है वो एक जगह इकट्ठा हो जाती है। लेकिन ये जो ओलिक अम्ल है, ओलिक अम्ल को हम किसी भी पानी में कहीं पर भी डालते हैं तो वो क्या करता है, इस तरह से लेयर बना लेता है। ठीक है, ओलिक अम्ल क्या बना लेता है, एक लेयर बना लेता है इस तरह से। क्लियर? तो देखो, इस ओलिक अम्ल से अणुओं का आकार का आकलन करते हैं। तो हम ओलिक अम्ल ले लेते हैं, ओलिक अम्ल कितना ले लेते हैं, ओलिक अम्ल हम ले लेते हैं 1 cm³। ओलिक अम्ल का आयतन ले लेते हैं 1 cm³। और हम यहां से अल्कोहल ले लेते हैं, अल्कोहल वो ले लेते हैं 19 cm³। एक विलयन बना रहे हैं, एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। ओलिक अम्ल 1 cm³ आयतन और अल्कोहल का 19 cm³ आयतन, दोनों का मिश्रण तैयार करेंगे, विलयन तैयार करेंगे तो उसका आयतन कितना आएगा, 20 cm³। दोनों का है जो विलयन का आयतन है वो कितना आएगा, 20 cm³। ठीक है। अच्छा, एक और सॉल्यूशन ले लेते हैं। ये पहला सॉल्यूशन हो गया। दूसरा, दूसरे में भी हम क्या करते हैं, सेम ऐसे ही ओलिक अम्ल ले लेते हैं और ओलिक अम्ल में 1 cm³ में वो ही अल्कोहल ले लेते हैं और अल्कोहल है कोई 90 cm³। तो सॉल्यूशन कितना बनेगा, सॉल्यूशन आपके पास बन जाएगा यहाँ से 20 cm³। क्लियर है? आप देखो, ये भी 20 cm³, ये भी 20 cm³। तो दोनों को अगर मिलाए, दो सॉल्यूशन क्यों लिए हमने अलग अलग, दोनों सॉल्यूशन इसलिए लिए हैं क्योंकि दोनों सॉल्यूशन से एक एक्यूरेसी आ जाती है, यानी कि एरर नहीं रहती, त्रुटि नहीं रहती। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों जो है उन दोनों को हम क्या करते हैं, एक मिश्रण तैयार कर लिया, विलयन तैयार कर लिया। उससे क्या होगा बेटा, देखो मैं इसको थोड़ा सा समझाऊं। तो इस विलयन में, इस 20 cm में ओलिक अम्ल कितना है, तो ओलिक अम्ल होगा इसमें, ओलिक अम्ल जो है, ओलिक अम्ल वो इसमें इसका आयतन आएगा 1/20 cm³। क्योंकि कुल जो मिश्रण है, विलयन है, वो 20 cm³ है, उसमें ओलिक अम्ल कितना है, ओलिक अम्ल होगा 1/20। भाई कुल इन दोनों का जो सॉल्यूशन है, विलयन है, वो 20 cm³ आयतन का है, तो उसमें कितने आयतन में ओलिक अम्ल है, 1/20 cm³। ठीक है, दूसरा जो मिश्रण लिया है उसमें भी कितना होगा, वही 1/20 cm³। ठीक है, तो 40 cm³ आयतन में ओलिक अम्ल कितना होगा, 40 cm³ आयतन में, तो हमारे पास आ जाएगा
कण जो है, जो वो छोटे छोटे कण वो एक परत बना लेते हैं, ठीक है। ये परत जो है, इस परत की जो मोटाई है वो माना कि परत की मोटाई कितनी है, टी। जो पानी के ऊपर परत बनी है उसकी मोटाई हमने ले ली टी। जो टी मोटाई है, अगर एक परमाणु की बात करें तो ये एक परमाणु है, इसकी जो ये वाली मोटाई है ये टी है, टी है ना। तो ये क्या है, इसकी यही इसका आकार है, और वही हम अणुओं का आकार ज्ञात कर रहे हैं ओलिगोमल का। तो अगर अपन टी का मान ज्ञात कर लें इस टी का, तो हम ओलिगोमल के जो अणु है उसका आकार ज्ञात कर लेंगे। तो माना कि यहाँ पर आपके पास जो हम इसमें 40 सेंटीमीटर क्यूब ब्यूरेट में जो मिश्रण डाल रहे हैं एल्कोहल और ओलिगोमल का, उसके एक बूंद का आयतन, एक बूंद का आयतन, एक बूंद का आयतन ओलिगोमल और एल्कोहल पे वो माना कितना है, V है। एक बूंद का आयतन माना कितना है, V। और माना 40 सेंटीमीटर रीजन में कितनी बूंदें बन रही है, N बूंद बन रही। तो N बूंदों का, N बूंदों का आयतन कितना हो जाएगा बेटा, N बूंदों का आयतन हो जाएगा N V। भाई एक बूंद का आयतन V मान लिया, N बूंदों का आयतन कितना होगा, N V, ठीक है। तो भाई यहां से अगर अपन देखें तो वैसे आयतन का सूत्र क्या होता है जनरल, तो आयतन का सूत्र होता है आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। ये सूत्र होता है आयतन का जनरल, दसवीं पढ़ा अपन ने। आयतन को अगर बी माने तो बी बराबर, और लंबाई गुणा चौड़ाई जो है उसको क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रफल। लंबाई गुणा चौड़ाई क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है, टी, वो बात कर रहे हैं। तो ये ऊंचाई, अरे बोलो ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो वी का मान है वो आ जाता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को माना ए है तो ए क्षेत्रफल, और इनटू ऊंचाई, ऊंचाई किसके बराबर होली का बल के जो आपके पास परत है उसकी मोटाई के, और मोटाई कितनी है, टी। तो ये वी का मान आ गया आयतन का क्षेत्रफल गुणा जो आपकी ऊंचाई है वो, इसको दे देंगे समीकरण नंबर ए, ठीक है। अच्छा, एन बूंदों का आयतन जो है एन वी है, ये एन वी तो एल्कोहल और ओलिगोमल दोनों का है, ठीक है। तो ये बताइए कि इसमें ओलिगोमल के बूंदों का आयतन कितना होगा, क्योंकि उसमें ओलिगोमल और एल्कोहल दोनों का दिया होगा, ओलिगोमल का कितना हो जाएगा, ओलिगोमल का हो जाएगा, हम लिखते हैं यहां पे ओलिक अम्ल की बूंदों का आयतन, ठीक है। कुल आयतन एन वी, और उसको गुणा कर देंगे एक बटा कितनी है, बाहर 400, एक बटा 400, ठीक है। इसका मतलब ये आ गया वी, ये ओली का बल का आयतन आ गया, इसको दे देंगे समीकरण नंबर दो। इसका मतलब ओली का बल का आयतन ये, और वैसे साधारण तरीके से आयतन ये, इसको दे दिया समीकरण दो। समीकरण एक और दो दोनों ही आयतन की समीकरण है, तो इनका LHS जो है समीकरणों का वो बराबर है, दोनों आयतन की है, तो RHS भी क्या होगा, बराबर। भाई बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी दोनों का क्या होगा, बराबर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से देखो मैं इसको रद्द कर देता हूं, तो आपके पास यहां से आ जाएगा समीकरण एक और दो से, समीकरण एक व समीकरण दो से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, a इंटू टी बराबर, इसका दायां पक्ष तो a इंटू टी, और इसका दायां पक्ष है एन बी गुणा एक बटा 400, ठीक है। तो बताओ हमें क्या ज्ञात करना है, t, t क्या है, ओलिगोमल जो है उसकी परत की मोटाई जो पानी के ऊपर बनी हुई है। बेटा ध्यान रहे, ये कागज से, जो कागज अपन कागज का ही पन्ना होता है ना, उससे भी बहुत थिन होती है, बहुत पतली होती है, ठीक है ना। तो इसकी जो आपका मोटाई आ जाएगी टी बराबर एन बी अपॉन, ये ए उधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो और बड़ा एक बटे 400, ये आ गया आपके पास ओलिक अम्ल जो है उनके अणुओं का आकार, ठीक है। तो ये मेथड था जिसको हमने यूज किया। या एन क्या बेटा, एन है जो हमने मिश्रण लिया है उसमें
अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू क्लास।